हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक जावा क्लास की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका नाम यहाँ पे मैं दे रही हूँ मल्टीपल एग्ज़ाम्पल। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्लास मल्टीपल एग्जाम्पल नाम का क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं मेन मेथड ले रही हूँ। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे दो नंबर का हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसलिए मुझे यहाँ पे दो नंबर की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे नंबर वन और नंबर टू ले रही हूँ और ये दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करा के हमें किसी तीसरे वैल्यू में स्टोर कराना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो गाइस याद रखिए कि यहाँ पे मैं दो नंबर जो है हमारे नंबर वन और नंबर टू, यहाँ पे मैं उसे फिक्स नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास का यूज़ करूँगी जिसके मदद से यहाँ पे यूज़र के द्वारा वो वैल्यू यहाँ पे मैं इनपुट कराऊँगी। तो हमारा जो क्लास है वो यह है यहाँ पे स्कैनर। तो गाइस हमारा जो स्कैनर क्लास है वो जावा यूटिल नाम के पैकेज में है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो जावा यूटिल नाम का जो पैकेज है वो यहाँ पे इनपुट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना होगा ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड लूँगी जो है हमारी इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो गाइस ये मेथड्स की मदद से हम वैल्यू इनपुट कराई है कीवर्ड के मदद से, उसे हम रीड कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे नंबर वन में स्टोर कराऊंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कराना होगा सेकंड नंबर के लिए। इसी तरह मैं नंबर टू में भी हमारा जो यूज़र है मैसेज वैल्यू जो इनपुट कराएगा वो नंबर टू में स्टोर कराऊंगी। तो गाइज़ अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है दो नंबर का, तो सिंपल हमें नंबर वन और मल्टीप्लाई नंबर टू हमारा जो इक्वेशन है वो, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में स्टोर कराना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराऊँगी कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट। तो गाइस यहाँ पे सिंपल हमारा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट का टर्मिनल है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो हमें यहाँ पे यूज़र के द्वारा वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट करानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 5 इनपुट करा रही हूँ। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर भी यहाँ पे मैसेज आ चुका है, तो मैं यहाँ पे भी 5 एंटर करा रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 25 आ चुका है। तो गाइस ये था हमारा टू इंटीजर मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम। लेकिन अगर गाइस अगर आपको टू इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना है, यानी डेसिमल पॉइंट्स का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे सिंपल डबल देना होगा, क्योंकि हमारा जो डबल है वो असाइन करता है हमारा डेसिमल पॉइंट्स। इसलिए मुझे यहाँ पर नेक्स्ट इंट की जगह पर नेक्स्ट डबल लिखना होगा। उसी तरह यहाँ पर भी सेम। तो गाइस ये हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए रेडी हो चुका है। तो हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रही हूँ 1.5 और हमारा जो सेकंड नंबर है वो है यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है 3.75। तो ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को। थैंक यू।